जी हाँ, इस वक्त आप ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में, जो कि लोधी रोड और खुदराय होटल के बगल में एक संस्था है, उसमें आप किधर हैं? आप जैसा जानते हैं कि हमारी संस्था में एक स्कूल चलता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक के कक्षा के छात्र हैं। एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलता है, जिसमें करीब 50 छात्र हैं जो कि टीचर ट्रेनी स्पेशल एजुकेटर्स बन रहे हैं दृष्टिबाधितों के लिए। और इस तरीके से बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जिसमें हमारे यहाँ बच्चों से लेकर के बड़े लगभग 300 लोगों यहाँ पर हमारी संस्था में उससे लाभान्वित हो रहे हैं, 300 से अधिक लोग। बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ आने जाने में पटरी है, तो हमारे कुछ कर्मचारी हैं दृष्टिबाधित और दूसरे भी जिनको बस पकड़नी होती है, इन पटरियों से होकर के गुजरना पड़ता है, और जिनकी हालत आपने देखी होगी कि बहुत अच्छी नहीं है। और इसकी तरफ हम लोग भी, सरकार का भी ध्यान और अरे जो संबंधित म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह जो हैं, उन सबको और सरकार को हम आगाह करते रहे हैं और रिक्वेस्ट करते रहे कि यहाँ पर थोड़ा सुविधा बढ़ाई जाए, कम से कम पटरियाँ ऐसी हों जिसमें लोग चल फिर सकें। और सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है, केवल दृष्टिबाधित ही नहीं, साधारण लोगों को भी सड़क पार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज की हमारी एक पुरानी मांग थी, जो कि सरकार ने स्वीकार की है। और इस विषय पर ध्यान कोर्ट की तरफ भी PIL वगैरह भी लोगों ने दाखिल किए हैं, और उन्होंने कोर्ट के ध्यान में भी संज्ञान में बात आई है, और कोर्ट भी परस्यू कर रहा है कि ये जो काम है फुट ओवर ब्रिज या सड़कों को ठीक बनाना, ये सब फुटपाथ का, ये सब जल्दी से जल्दी किया जाए। तो जैसा कि हमें जानने को मिला है कि अगले महीने से ही यहाँ पर उग्रह होटल के पास एक फुट ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर एक बड़ी चीज़ है कि सड़कों का या पटरियों का इतनी ख़राब हालत में होना, ये एक मैं समझता हूँ कि इनसेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की कमी का भी एक बड़ा उदाहरण।